मलून वसीम रजवी के खिलाफ तामीर मिलत की जानिब से इतवार 28 नवंबर को 2:30 बजे दिन धरना चौक इंदिरा पार्क पर धरना दिया जाएगा। इस धरने में शहर हैदराबाद के सरकर्दा उलमा व मशायखीन और दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस धरने के मौके पर हुकूमत से गुजारिश की जाएगी कि मलून वसीम रजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। अस्सलामु अलैकुम। ईमान की हकीकी पहचान हुब्बे रसूल है। जितना इश्क रसूल होगा ईमान उतना ही ताकतवर होगा। नाज़रीन इकराम, दुनिया का सबसे बड़ा मलून जिस पे सारी दुनिया की लानत हो, सबसे बड़ा मुनाफिक वसीम रजवी ने सबसे पहले कुरान मजीद के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ, फिर आहले बैत अत्थार के खिलाफ और अहबाब हुजूर पुरनूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा खातिबुल नबीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में गुस्ताखी की है। याद रखिए, वो एक मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रमक बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी सिलसिले में कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से 28 नवंबर बारोज इतवार 2:30 बजे धरना चौक रूबरू इंदिरा पार्क पर एक धरना मुनजिम किया गया है। इस धरने में इंशाअल्लाह हैदराबाद के उलमाए किराम, मशायखे उज़्ज़ाम, दिगर जमात के नुमाइंदे तशरीफ लाएंगे और अपना धरना देते हुए अपना एहतजाज नोट कराएंगे और हुकूमत से गुजारिश की जाएगी, हुकूमत से मांग की जाएगी कि उस बदबख्त सलमान रश्दी के भाई वसीम रजवी पर अपना शिकंजा कसे, उसको गिरफ्तार करे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे उम्मीद है हैदराबाद के जियाले नौजवान आशिकान रसूल से कि वो 28 नवंबर इतवार के दिन ठीक 2:30 बजे धरना चौक तशरीफ लाएंगे और मेरी उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों से, उम्मत मोहम्मदिया के नौजवानों से, बुजुर्गों से, खवातीन से मेरी मुलाकात होगी। ठीक 28 नवंबर 2:30 बजे धरना चौक। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।